हेलो दोस्तों, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ में, और हमेशा की तरह चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जीवन के अंदर मोटिवेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या मालूम कौन सी बात आप लोगों को लग जाए और आप लोगों का जीवन बदल जाए। सो, जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ में करो, वरना मत करो। बच्चों एक बात याद रखना, जो कुछ भी करना है वो अपने 100% देकर ही करना है, आधा अधूरा काम नहीं करना है। जो कुछ भी करो जुनून के साथ में करो, वरना करो ही मत। क्यों? क्योंकि यदि पूरे जुनून के साथ में नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बच्चों का कमज़ोर रहता है, एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पादपों के अंदर परिवहन और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बेस्ट इम्बाइबेंट मटेरियल, आप इम्बाइबेंट जानते हो क्या होता है? जो काफ़ी कुछ मात्रा में पानी को सोख लेता है, जो काफ़ी कुछ मात्रा में पानी को सोख लेता है, अपने नॉर्मल वजन से कई टाइम्स वाटर को एड्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो बेस्ट जो इम्बाइबेंट मटेरियल होता है, जिसका उपयोग लेबोरेटरीज के अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर होता है, उसका नाम है अगार अगार। और ऑब्टेंड फ्रॉम, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑब्टेंड फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी, गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी, अगार अगार कहते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे उत्कृष्ट अंतःचूषक पदार्थ यदि कोई है, सबसे उत्कृष्ट यदि कोई अंतःचूषक पदार्थ है, तो वो कौन है? अगार अगार है, ठीक है। नेक्स्ट, हीट रिलीज ड्यूरिंग इम्बाइबिशन इज कॉल्ड, जब भी इम्बाइबिशन होता है तो हीट रिलीज होती है उसको, जब जब इम्बाइबिशन होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, घर में जब माँ जब खाना बनाती है ना, तो आटा गूंथते हैं ना, तो आटा गूंथते वक्त, राइट, आटा भी एक प्रकार का इम्बाइबेंट है, ठीक है। तो आटा गूंथते वक्त अपना हाथ आटे के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे पानी डालिए, ठीक है, और आटे को गूंदना चालू कीजिए, आपको लगेगा कि आपका हाथ गर्म हो गया है। तो हीट रिलीज ड्यूरिंग इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन के वक्त में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेटिंग, इसको बोलते हैं बेटा आद्रक ऊष्मा, इसको बोलते हैं आद्रक ऊष्मा, हीट ऑफ वेटिंग आद्रक ऊष्मा के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन इज अ एक्टिव प्रोसेस और अ पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन आप सब ने पढ़ा है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? तो डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, क्यों निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, इसलिए डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, क्यों? एज इट इज नॉट हैविंग सॉल्यूट इन इट, क्योंकि क्योंकि उसमें विलेय अणु नहीं होते, क्योंकि उसमें विलेय अणु नहीं होते, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का जीरो होता है। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। प्योर वाटर के अंदर तो सॉल्यूट है ही नहीं भाई, सॉल्यूट के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। जब सॉल्यूट है ही नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो प्योर वाटर का जो ओपी होता है वो याद रखना जीरो होता है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का ओपी जो होता है वो जीरो होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय, यदि आप परासंद आपको नापना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर,
तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है ऑस्मोमीटर। इसकी खोज पैफर ने की थी, पैफर। तो ऑस्मोमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑस्मोमीटर है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है? तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, हाईएस्ट साई डब्ल्यू किसका है मालूम है? प्योर वाटर का। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है। हाईएस्ट साई डब्ल्यू जो होता है वो प्योर वाटर का होता है जीरो। जब आप जीरो को हाईएस्ट मान रहे हो तो बाकी सब जीरो से कम होंगे, इसका मतलब साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट साई डब्ल्यू जो होता है वो प्योर वाटर का होता है। मैंने इन पूरे के पूरे जो फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जाइए और बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन वाला जो चैनल है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें जाएंगे, आपको 100% वहाँ पर वाटर पोटेंशियल का आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो और डिटेल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि साइन डब्ल्यू क्या होता है, ज़ीरो। हाईएस्ट साइन डब्ल्यू प्योर वाटर का होता है और वो कितना होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। इज़ देर एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिफ्यूजन एक निष्क्रिय अभिक्रिया है, तो देर इज नो एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रक्रिया है, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रक्रिया है और उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी कंजप्शन या एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर को सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मेन कारण सोल्यूट कंसेंट्रेशन है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसेंट्रेशन, याद रखना। मोर द सोल्यूट कंसेंट्रेशन मोर द ओपी, लेस द सोल्यूट कंसेंट्रेशन लेस द ओपी। ओपी समानुपाती होता है किसके? विलेय की सांद्रता के। विलेय की सांद्रता ज़्यादा होगी तो ओपी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ओपी के डेवलप होने का मेन रीज़न जो है वो क्या है? सोल्यूट कंसेंट्रेशन है। तो नेचुरली कि उसको सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम लोग बोलते हैं विलेय विभव, हिंदी के अंदर विलेय विभव, इसको विलेय विभव भी कहते हैं। और इसको कैसे शो करते हैं? साइन एस से। इसको कैसे शो किया जाता है? साइन एस से शो किया जाता है। तो आप सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विलेय विभव कहते हैं, या साइन एस से भी जानते हैं। इज वॉल प्रेशर फाउंड इन एनिमल सेल? तो एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, सो वॉल प्रेशर इज ऑल्सो एब्सेंट। अरे बात समझ में आ रही है? सेल वॉल एनिमल सेल में होती है क्या? नहीं होती ना। जब वॉल ही नहीं है तो वॉल प्रेशर कहाँ से आएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ डब्ल्यू पी एब्सेंट है। किस में? एनिमल सेल में। डब्ल्यू पी बोले तो वॉल प्रेशर, एनिमल सेल के अंदर वॉल प्रेशर एब्सेंट मतलब भित्ती दाब, वॉल प्रेशर एब्सेंट होता है, याद रखोगे। नेक्स्ट, गटेशन अकर ड्यू टू विच प्रेशर? गटेशन, अभी थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन करूँगा जिसमें ये भी बताऊँगा कि गटेशन क्या होता है। गटेशन अकर ड्यू टू विच प्रेशर? गटेशन रूट प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, गटेशन मूल दाब के कारण होता है। गटेशन जो है वो रूट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण डेवलप एक प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, उसके कारण बिंदु स्थापन होता है। रूट प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर, याद रखना। रूट प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की और
लगता है। रूट ब्रश इज अप्लाइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अप्लाइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और ये जो रूट प्रेशर है ये कैसा है, याद रखना हमेशा, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, ये कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर है। ट्रांसपीरेशन पुल इज ए नेगेटिव पुल और अ पॉजिटिव पुल, ट्रांसपीरेशन पुल टॉप टू बॉटम लगता है, ऊपर से पानी का लॉस होता रहता है और नीचे से पानी एब्जॉर्ब होता रहता है, तो ट्रांसपीरेशन पुल एक नेगेटिव पुल है। वो कैसा था, रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, ये एक नेगेटिव पुल है, ऊपर से नीचे लग रहा है, नेगेटिव पुल है। व्हाट इज गटेशन, ऊजिंग आउट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ लीव्स, फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ लीव्स इज गटेशन। पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्त्रावन है, ठीक है। इन प्रिमिटिव टाइम्स विच प्रेशर वॉज यूज टू ब्रेक रॉक्स, आदिम समय में चट्टानों को तोड़ने में किस दाब का प्रयोग होता था, इम्बाइबिशनल प्रेशर। आदिम समय में चट्टानों को तोड़ने के लिए इम्बाइबिशनल प्रेशर का प्रयोग होता था। एक्चुअली दो चट्टानों के बीच में है ना जो दरारें होती थी उसमें लकड़ी का बुरादा भर देते थे और फिर पानी को स्पार्कल करते थे, तो हाई इम्बाइबिशनल प्रेशर जनरेट होता था और चट्टानें टूट जाती थी। इम्बाइबिशनल प्रेशर यानी कि अंतः चूषक दाब, इम्बाइबिशनल प्रेशर का यूज होता था। डीपीडी ऑफ अ टर्जिड सेल, पहली बात तो डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। देखो भैया यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं समझा रहे हैं, राइट, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको यदि डीपीडी का कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन, उसके ऊपर मैंने प्लांट फिजियोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे वीडियोस डीपीडी वगैरह के ऊपर डिटेल में बना रखे हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा लाइफ में कुछ बनने के लिए, तो वहाँ जाना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि सर ने डीपीडी लिख दिया तो क्यों लिख दिया, अरे भाई अभी प्रश्न करवा रहे हैं, डिटेल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ प्रश्न नहीं करवाते हैं, वहाँ पर थ्योरी पढ़ाते हैं, यहाँ पर प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब टर्जिड सेल जो होती है, टर्जिड सेल मतलब ऐसी सेल जिसमें पानी अंदर एंटर हो गया है। टर्जिड सेल का मतलब है जिसमें स्फित कोशिका जिसमें पानी एंटर हो गया है, उस कोशिका में ओपी इज इक्वल टू टीपी के बराबर होता है, ओपी इज इक्वल टू टीपी। तो मुझे एक बात बताओ, ओपी इज इक्वल टू टीपी है ना, ये हम लोग जानते हैं, ओपी इज इक्वल टू टीपी। तो बताओ जल्दी से ओपी, ये थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, इधर टीपी को शिफ्ट करो, ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ओपी माइनस टीपी टर्जिड सेल के अंदर जीरो हो गया, तो डीपीडी इज इक्वल टू जीरो। एक टर्जिड सेल का डीपीडी शून्य होता है, एक टर्जिड सेल का डीपीडी शून्य होता है। डीपीडी ऑफ अ फ्लैसिड सेल, अब एक फ्लैसिड सेल के अंदर टीपी इज इक्वल टू जीरो होता है। अरे फ्लैसिड सेल वह होती है जिसमें से पानी और बाहर आ गया है, गया नहीं है बाहर आ गया, तो भैया टीपी तो जीरो हो गया ना, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, टीपी की वैल्यू जीरो है तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओपी के बराबर। तो याद रखना एक श्लत कोशिका एक पिचकी हुई कोशिका का डीपीडी ओपी के बराबर होता है।
डीपीडी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज सेल। अब प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर हमेशा याद रखना है कि टीपी नेगेटिव होता है, टीपी नेगेटिव होता है। एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी नेगेटिव होता है तो क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब डीपीडी इज इक्वल टू प्लाज्मोलाइज सेल ओपी माइनस माइनस टीपी, क्योंकि टीपी नेगेटिव है ना, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस ब्रैकेट खोलो माइनस माइनस प्लस टीपी। बस एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का डीपीडी ओपी प्लस टीपी के बराबर होगा। न्यू नेम ऑफ टर्गर प्रेशर, टीपी का नया नाम, टीपी को हम साई पी भी कहते हैं। साई पी क्या है, दाब विभव, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, साई पी कहते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन समझते हो क्या होती है, जो वाटर को तो आर पार जाने दे लेकिन कुछ चयनित चुनिंदा सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को भी झिल्ली के आर पार जाने दे। तो एक तो हो गई सेल मेम्ब्रेन और दूसरी टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहाँ होती है मालूम है, वैक्यूल के चारों ओर। ये तो सेल मेम्ब्रेन तो सेल के चारों तरफ होती है और टोनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर होती है। दोनों ही सेलेक्टिव परमिएबल एग्जाम्पल के बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फार्मूला ऑफ वॉन्ट हॉफ फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए फार्मूला होता है ओ पी इजिकल टू एम आर टी, ओ पी इजिकल टू एम आर टी, वेर एम क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन है, मोलर कंसेंट्रेशन। आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट है, कितना होता है 0.082। और टी जो है वो क्या है, परम ताप है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ओ पी इजिकल टू एम आर टी, राइट। ये यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्ञात करना चाहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी ज्ञात करना चाहते हैं, याद रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी ज्ञात करना चाहते हो तो ये होगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओपी इज इक्वल टू एम आर टी आई, वेर आई जो है वो यहाँ पर आयोनाइजिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई क्या है, आयोनाइजिंग कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। तो ये थे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स के ऊपर। मैंने फिर कहा है यदि जीवन में तरक्की चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा और रोज़ाना आदत डाल दीजिए। मैंने कल भी कहा था कि रोज़ 11 बजे ही आकर देखिए, कुछ चीज़ें नियम की पालना कीजिए। जैसे हम लोग रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ना, तो आप भी आज का कल, कल का परसों और ऐसे मत छोड़िए। रोज़ वीडियो 11 बजे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट्स मैक्सिमम, राइट। एक बार उस वीडियो को आके जरूर देखिए। सोचो ना, रोज़ आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सोचो 20 × 365 डेज़ की कैलकुलेशन करोगे तो कितना आगे बढ़ोगे, है ना। तो खुद भी देखिए वीडियोस को और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर जो लोग नए हैं वो जाने के पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में।